मुहर्रम शहादत और कुर्बानी को याद करने का दिन है। आज ही इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना है और इसी से इस्लाम धर्म के नए साल की शुरुआत होती है। लेकिन इस महीने की 1 से 10 मुहर्रम तक हजरत इमाम हुसैन की याद में मुस्लिम मातम मनाते हैं। यह दिन पूरी दुनिया को मानवता का संदेश देने के साथ ही हर बुराई से बचने और अच्छाई को अपनाने का संदेश देता है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में मुहर्रम की 10 तारीख पर शिया समुदाय ने मातमी जुलूस निकाला गया। मुरादाबाद के थाना नागफनी क्षेत्र स्थित इमाम बाड़े में जुलूस में बूढ़े जवान के साथ साथ बच्चे भी शामिल हुए। इस दौरान सभी जंजीरों में धार धार छुरियों को बांध कर अपने जिस्म पर मार रहे थे। इस मातमी जुलूस में शामिल कई लोग लहूलुहान हो गए। शिया समुदाय ने करबाला की लड़ाई का वह मंजर याद किया जिसमें हजरत इमाम हुसैन अली मुकाम में इंसानियत की खातिर और जुल्म के खिलाफ अपनी शहादत दी थी। शिया समुदाय के अकीदमत कैसर अली बाकरी ने बताया कि इसे शबे आशूर भी कहा जाता है। कैसर अली ने कहा कि ये लड़ाई हक और बातिल की है, उसी में हम खिराज अकीकत पेश करते हैं। ये आज 9 मुहर्रम है, शबे आशूर कहा जाता है इसे। शबे आशूर इस मायने में है कि आज की रात इमाम हुसैन ने यजीदी लश्कर से एक रात की मुहलत मांगी थी और आज की रात पूरी रात अपनी इबादत में और उनके साथियों ने गुजारी। इमाम हुसैन ने सबसे कहा कि मैं अपनी बैत उठा लेता हूँ, तुम मुझे छोड़ के चले जाओ, उमर साद और शिम्र मेरे खून का प्यासा है। मगर सारे साथियों ने जब चिराग रोशन किया तो सारे लोग बैठे हुए थे और कल सुबह फजर से लेकर असर तक सारी शहादतें इमाम हुसैन ने पेश की, अपने अकरबा की, अपने जानिसारों की, दोस्तों की, भांजों की, भतीजों की, और आखिर में इमाम हुसैन ने एक बहुत फसलों बड़े खुतबा इरशाद फरमाया और यजीदी लश्कर से कहा, उमर साद से कहा कि मैं अब भी तुम्हें माफ़ कर दूंगा, अगर तुम अब भी राह रास्त पे आ जाओ तो मेरे नाना नहीं माना इस बात पर। और आखिर में इमाम हुसैन ने शहादत दी। जब इमाम हुसैन की शहादत हो गई तो उनका घोड़ा इमाम हुसैन के खून में अपने माथे को तर करके ख़याम हुसैनी में आया, जिससे कि बीवियों को, उनके घर वालों को पता चला कि इमाम हुसैन शहीद हो चुके हैं। उस असाब, उस घोड़े की, उस बावफा घोड़े की याद में हम ये दुल निकालते हैं और इमाम हुसैन को खिराज अकीदत पेश करते हैं। और कल सुबह को अशरे का जुलूस निकलेगा, ताजी उठाए जाएंगे और हम जंजीरी मातम करके पुरसा पेश करते हैं कि अगर हम उस दिन करबला में होते तो हम अपनी जान का नजराना आपको दे देते और आपको शहीद नहीं होते थे और आपको बचा देते। यही हमारा मकसद है शहीद और करबला के शहीदों को याद करने का। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।